नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीचैट। SC ST एक्ट में पूरा अधिकार सर। आज बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चट्टी पर पूरा भारत बंद का असर दिखाई दिया, जिसमें क्षेत्र के सामान्य वर्ग के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहां की सभी दुकानें भी बंद थी। इस मौके पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई थी, लेकिन उस जाम में इंसानियत भी देखी गई। जाम में एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों वाली गाड़ियों के लिए वहां खड़े लोगों ने आने जाने दिया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि मंदिर के बनाने के नाम पर भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद ही मंदिर का निर्माण होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए SC ST एक्ट पर उसको बदलने का काम कर रही है। सभी लोग योगी मोदी मुर्दाबाद भाजपा वाले नेता होश में आ जाओ के नारे भी लगाते देखे गए। समाज ATZ के लिए बलिया से शंकर जी की रिपोर्ट। ये बताइए कि आप सब योगी और मोदी का भी नारा लगा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप सब मतलब क्यों लगा रहे हैं? मोदी और योगी का नारा इसलिए हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि मोदी और योगी दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के जब जब हिंदू मुद्दा उठाते हैं कि मंदिर नहीं बन रहा है तो वो बार बार उसमें फैसला ला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है। हाँ। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुराना SC ST एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। हाँ। उसके बावजूद भी संवर्णों पे उन्होंने ये नियम लगाया है कि बिना केवल सूचना पे ही अरेस्ट कर लिया जाना, इस तरीके के मुद्दे को उसने लागू कर दिया है हिंदुओं पे। इस तरह से हिंदू सीधा प्रताड़ना जो क्षत्रिय वर्ण के हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, उनका विरोध हो रहा है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इसको खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, और इसमें संशोधन करके इस पे लागू किया जाना चाहिए। और सवर्णों का ही नहीं, इसमें जातिगत जो आरक्षण है, जो कमजोरियां हैं, वो हिंदू भी सामान्य वर्ग के लोग भी कमजोर हैं। तो इसलिए इसमें संशोधन करके जो पुराने हमें SC ST का एक्ट लागू किया गया था भारत में, वही फिर से लागू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार होना चाहिए। इसमें किसी पार्टी का व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सीधा विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सीधा मोदी और योगी तक पहुंचे और ताकि उनको पता चले कि केवल SC ST एक्ट या पिछड़ा वर्ग ही इस चुनाव में उसका सहयोग नहीं होता है, इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी अहम भूमिका निभाते हैं। कड़ी विरोध करते हैं। हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि जिस तरह सरकार ये दोगला मापदंड के तहत कार्य कर रही है, एक तरह से ये इस अध्यादेश को SC ST अध्यादेश को लाने के लिए एक भी सांसद एक भी विधायक विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं और मंदिर के मुद्दे पे बार बार भाजपा हमको गुमराह कर रही है। सवर्णों का वोट बस वोट बैंक समझ लिया, सवर्णों का वोट ले रही है। आज जब SC ST लागू करने का हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए हम लोगों पे 6 महीने का जेल और वो सब ला के थोप दी है। हम लोग इसके तहत हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा से हम लोग काफी दुखी हैं, भाजपा के नीतियों से ही दुखी हैं। भाजपा का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।